हे गाइस, सो आई वेलकम यू ऑल टू द लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो यूपी सुपर टेट का जो एग्जाम हुआ है, इसके जो हम आंसर्स हैं उनको हम आज आज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? तो वो जुड़ता है आपका क्रिया के साथ। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। चिदंबरा किसकी थी? सुमित्रानंदन पंत की थी। महान शब्द में त्वा जोड़ने पर क्या मिलेगा? महत्व। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल। ठीक है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो आपको पता, हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। निम्न में से क्या तत्सम है? तो तत्सम है आपका ग्रह। तो पैसेज का हमारा क्वेश्चन था कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो पाखंड और दिखावे को। छलने की कला का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं? तो हम खुलकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। बीती विभावरी जागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका रूपक अलंकार, अंबर पनघट से आप देख सकते हैं। जदापि सुजाति सुलक्षणी, ये है आपकी केशवदास की, बिहारी लाल नहीं, इसका सही आंसर होगा केशवदास। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है जानवी। मैं, हम, तू, तुम, ये सब क्या है? पुरुषवाचक है। ठीक है, निम्न में से कौन सा महाप्राण? तो यार अलावा नहीं होगा इसका आंसर, यार अलावा आपके अल्प प्राण में आते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाना चाहिए बी ऑप्शन। ठीक है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची तथा द्वितीय शब्द संज्ञा हो, तो ये आपको पता है द्विगु समास होता है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें मुझे कुछ क्लियर आंसर नहीं पता, लेकिन मुझे सेकंड ऑप्शन इसका सही लग रहा था। तो निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो आसान सा है, थर्ड ऑप्शन। बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। थोड़ा सा संस्कृत क्वेश्चन आ गए हैं, तो मे बी मुझे कुछ क्वेश्चन इसमें से नहीं क्लियर है। ठीक है, सूर्योदय में कौन सा समास है? तत्पुरुष। नीलोत्पल में कर्म धारे। दास्यति क्रियापद में लकार, ये तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, लिट लकार यहाँ पे सही लग रहा है। तो संस्कृत थोड़ा सा हम स्किप करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 है। ठीक है, गह पद में विभक्ति वचन प्रथमा बहुवचन, हसंती वाला आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ गए हम इंग्लिश पे, तो इंग्लिश में हमको देख लेते हैं। डिप्लीट का अपोजिट, तो डिप्लीट का मतलब क्या होता है? कम होना, तो इसका क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मतलब बढ़ना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। बेयरली का मतलब होता है नहीं के बराबर, मतलब निगेटिव सेंस में। वन शुड लव वंस, तो वन के लिए जो हम यूज करते हैं वो वंस का ही यूज करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स 5 and 39। ठीक है, थोड़ा आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे श्योर नहीं, लेकिन लग रहा है कि 5 and 39 ही होना चाहिए इसका। नेक्स्ट हमारा है एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन का है। तो अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वॉज अवे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सीधा सीधा ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे विल नहीं आएगा और यहाँ पे तो फॉर्मेशन अलग कर दिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ही इज इंटेलिजेंट इनफ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका एडवर्ब है। ऑन द टॉप ऑफ हिल्स लिव्स अ हर्मिट, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर्मिट। सी हाइड्स हर फेस फॉर स्विम, तो हाइड का आपको पता है कि हाइड, हिड और हिडन होता है। ठीक है, हाइड, हिड और हिडन, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए आपका? हिड। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए आपका? हिड। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हाउ वेल सी सिंग्स, तो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो इसमें सही ऑप्शन आपको चौथा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में जो आर्टिकल का प्रयोग है वो गलत हुआ है, तो एन एफ आई आर वॉज लॉज अगेंस्ट हिम। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, लाठीचार्ज से किसकी मौत हुई थी? लाला लाजपत राय की। आपको पता है कि राज्यसभा मैक्सिमम आपका जो धन विधेयक है वो 14 दिन के लिए रख सकता है। प्रायद्वीपी भारत, आपको पता है कि भारत का जो साउदर्न पॉइंट है वो तो वैसे इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मेन लैंड पे आपका कन्याकुमारी पड़ता है, तो कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका नॉर्थ तुडा इक्वेटर, दैट मीन्स भूमध्य रेखा के उत्तर में। कौन सी अटलांटिक महासागर की नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा लेब्राडोर नहीं, अंगुलहास। अंगुलहास आपकी है हिंद महासागर की। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका जो है वो जो मेन फैक्टर है वो है हमारा प्रति व्यक्ति आय। तो इस पर कई तरह की कमेटी आती रहती है, आप देखते होंगे कि साल महीने में 972 रुपये, महीने में 1014 रुपये, तो इस तरीके से वो पर कैपिटा इनकम को हम देखते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। ठीक है, तो अस्थाई पूछता तो राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहाँ पे अस्थाई अस्थाई नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली था, जिसका बाद में नाम कर दिया गया था जिम कार्बेट।
तो निम्न में से कौन सा शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, मिड डे मील का जो मेन वो था टू इंक्रीज इनरोलमेंट, बच्चों की संख्या को स्कूल में बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया था। और जो आपका के स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये थी आपकी पावलोव की, पढ़ने और लिखने की जो डिसेबिलिटी है इसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, कह रहा कि एन इनोवेशन इज एन आइडिया, नवाचार एक ऐसा विचार है, तो ये आपका दिया गया था ई एम रॉजर्स के द्वारा, ई एम रॉजर्स के द्वारा। भारतीय शिक्षा में इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन कहा? तो ये था आपकी हॉर्टॉग की, हॉर्टॉग की परम शून्य स्थिति। अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा था कि ये फिजिक्स का है कि किसी और का, फिजिक्स में तो एब्सोल्यूट जीरो पाना बहुत मुश्किल ही होता है, तो इस पर मैं डाउट करके छोड़ रहा हूँ इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन लर्निंग, तो इंट्रोडक्शन का जो मेन होता है वो था प्रीवियस नॉलेज या फिर पूर्व ज्ञान। एनसीईआरटी में राष्ट्रीय पाठ चर्चा कब आई थी? 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि शिक्षक प्रशासन उपर्युक्त विद्यार्थियों को, तो इसका सही आंसर होना चाहिए वेलफेयर ग्राह, आप इसको बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। भारतीय पुनर्वास परिषद की जो थी तो रिहेबिलिटेशन, ये थी आपकी जो दिव्यांगजन होते हैं उनकी शिक्षा के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए। आगे हम चलते हैं, तो हमारा कहता है कि द लॉ ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, मतलब जो आपका विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, तो बोथ वन एंड टू। मैगरीट, जो मार्गरीट मीड थी, इन्होंने कहा था कि जो जैविक कारक होते हैं ये ज्यादा होते हैं, तो ऑप्शन ए बायोलॉजिकल जैविक कारक। ब्रेल लिपि, अभी पता है आपको कि 4 जनवरी को ही इनका बर्थडे था, तो ये कौन थे? लुई ब्रेल। कहाँ के थे ये? फ्रांस के, ऑप्शन टू लुई ब्रेल फ्रांस के, ठीक है। और आपकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राचीन अनुबंध था, ये दिया था पावलोव ने, हेरिडिटेरी जीनियस, तो ये थी, आप इसको बस चेक कर लीजिएगा, मुझे अभी एक याद नहीं आ रहा है, तो हेरिडिटेरी जीनियस थी मेरे हिसाब से, ये मुझे था गाल्टन की थी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो ये सारे के सारे ही करते हैं, ठीक है। तो गैगने के अधिगम सोपन का सही क्रम है, तो कॉन्सेप्ट रूलिंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा कहता है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं दे पाता है, द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका इनक्यूबेशन हो जाएगा राष्ट्रीय अस्थि विकलांग सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, यह है आपका कैलकाटा में, सिकंदराबाद नहीं, यह है कैलकाटा में। खारे खाने का नमक, तो खाने का नमक आपको पता है किससे बनता है? एच सी एल जनरली यूज होता है, और एन ए ओ एच, ठीक है। तो एच सी एल आपका वीक, सॉरी एच सी एल आपका स्ट्रांग एसिड है, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाए, ठीक है, तो वो अंडर रूट में होता है, डोनर रिलेशन पी इक्वल टू 2√ME या फिर 2 KE आप इसको कहते हो, तो अगर गतिज ऊर्जा 4 गुना है तो वो आपका हो जाएगा उसका अंडर रूट मतलब 2 गुना, ठीक है। जो साउंड वेव्स होती हैं वो कैसी होती है? तो वो होती है भैया लॉन्गिट्यूडनल, दैट मीन्स अनुदैर्ध्य, ठीक है। आगे चलते हैं माइक्रोन, तो माइक्रोन होता है 10⁻⁹, 10⁻⁹। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत, तो पा जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। श्वास छिद्र का प्रयोग करती मछली, स्पेशली आपकी जो वेल मछली होती है वो इसका यूज करती है। इसका आपका आंसर आ जाएगा 5, रतौंधी विटामिन ए से। 4.4 किलोग्राम CO2, तो आपको पता है अगर 44 ग्राम पूरा होता तो ये होता 22.4, यहाँ पे 4.4 है तो कितना हो जाएगा? 2.24, 2.24 मतलब ऑप्शन बी 2.24, 2.24। सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो आपको पता है कि जो सबसे वीक फोर्स होता है वो आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे कमजोर कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। आगे चलते हैं, मैथ्स में आ गए, तो इसका आप आंसर देख लीजिएगा कि ऑप्शन बी आएगा, इसकी भुजाएं आ जाएंगी 12, 5 और 13, 12, 5 और 13, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 12×5=60, ठीक है। इसका आंसर आप देख चेक कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इसका आंसर 4:25 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11×1/9, इसका ऑप्शन ए, इसका आ जाएगा 30, और इसका आंसर आ जाएगा 6R, सम षटभुज का आंसर आ जाएगा 6R, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि अंतः केंद्र कैसे बनता है, तो आपको पता है अंतः केंद्र कैसा मिलता है? कोणों के अर्धक करने से, अंतः केंद्र मिलता है कोणों के अर्धक से, ऑप्शन बी।
1001 का क्यूब, ऑप्शन सी। 20% 120 है, तो मतलब 6 गुना 720, सबसे छोटी बिन 19/36। अगर लंबाई 25% बढ़ाई गई तो कम कितना किया जाएगा, 20%, 1.27 × 14/11, 15 वर्षों में 2 गुना, तो 8 गुना हो जाएगा 45 वर्षों में। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा ऑप्शन डी, 2xz/x+z। ठीक है, तो मैथ्स का लेवल ठीक ठाक था, उतनी टफ मैथ्स नहीं आई थी, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि इसका गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा x+y − 3z × x − y + 3z। आप साथ दोनों को गुणा करके देख लो, आपको वही फैक्टर आपको मिल जाएगा। और समलंब में जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि इनको अगर ये ए है ये बी है, तो ये जो जोड़ने वाली लाइन होती है ये होती है a + b/2। ठीक है, तो ऑप्शन बी, a + b/2। इसकी मीडियन पूछी गई थी तो आ जाएगी 15। और रिलेशनशिप इसमें होती है, ये हो जाएगा 3 × median = mode + 2 mean, तो 3 × माध्यिका = बहुलक + 2 × माध्य। अगर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, 1/5, तो 5 यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य है आपका। ठीक है, तो क्रय मूल्य पे कितने की हो जाएगी, 25% की। ठीक है, सॉरी, कह रहा है कि 20% की हानि है विक्रय मूल्य पर, तो 1/5 हो जाएगा, मतलब 5 रुपये पर 1 की लॉस है, तो आपका जो ओरिजिनल है वो कितना रहा होगा, 6 रुपये, तो 1/6, मतलब 50/3 आ जाएगा इसका आंसर, सॉरी कितना आएगा, 50/3। 23वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। ठीक है, आगे चलते हैं कि बुद्ध चरितम महाकाव्य है अश्व घोष की, और इन्वायरमेंट डे का था बीट द प्लास्टिक, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 133, नाथ पंथ के थे मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन ए मत्स्येंद्र नाथ। कर्नाटक का लोकनृत्य यक्ष गान, ठीक है, मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कौन सा है, तो यक्ष गान है। और कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है इसे बनवाया था महेंद्र वर्मन ने। ठीक है, मिर्जापुर जो है फेमस है अपने कजरी नृत्य के लिए। आगे चलते हैं कि भारत का 100वां एयरपोर्ट पाक्योंग सिक्किम में, सेंटर ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च आपका है खुर्जा में, रमन मैक्सेसे में भरत अटवानी और सोनम वांग चुक को मिला था, और भारत भारती पुरस्कार मिला है रमेश चंद्र शाह को। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, तो मिला था वो साहित्य में नहीं दिया गया था, वो मीटू की वजह से उनको हटा दिया गया था, और इसकी जगह पे दिया गया था न्यू एकेडमी प्राइज, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता था, क्या दिया गया था, तो न्यू एकेडमी प्राइज दिया गया था, किसे दिया गया था वो आपको कमेंट करना जाके। यूएस ओपन किसने जीता है, नौमी ओसाका ने। 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये जीता था आपका विलेज रॉक स्टार्स ने। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि अभी जो हुई थी दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर मीटिंग, तो वो हुई थी कैटोवाइस, जो कि कहाँ पे है, पोलैंड में, और पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसॉ। पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसॉ, और पोलैंड की मुद्रा क्या है, पोलिश जलोटी, आपको जलोटी याद रखना है, पोलैंड की मुद्रा क्या है, जलोटी। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि रामायण सर्किट, देखो यहाँ पे मई वाला पूछा गया, तो मई में चालू हुई थी नेपाल के साथ, ठीक है, मई में जो बनी थी वो बनी थी नेपाल में, और भी इस टाइम पे श्रीलंका के साथ भी काम चल रहा है, यहाँ पे मई वाले का आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत का शेक्सपियर कालीदास को, कुंभ मेले को 2018 में ऐड किया गया, कथकली केरल का है, सौरभ चौधरी पता कि बहुत छोटा सा लड़का 18 साल का, मेरठ का है, क्या करता है ये, निशानेबाजी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर, या फिर आप इसको कह सकते हो 600 फीट। ये कहाँ पे है, गुजरात के नर्मदा नदी पर, और नर्मदा ही वो जिला है। ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये जिस आइलैंड पे बना है उस आइलैंड का नाम क्या है, तो उस आइलैंड का नाम है साधु बेट। ये क्वेश्चन बहुत कम ही लोगों को पता है कि किस आइलैंड पे बना है, किस द्वीप पर, जो एक द्वीप टाइप का, जिसको क्या नाम है, उसका नाम दिया गया है साधु बेट। और वहाँ पर और क्या बनाया जाएगा, श्रेष्ठ भारत भवन, उसी के बगल में एक म्यूजियम बना है, उसका नाम क्या है, श्रेष्ठ भारत भवन। तो ये सब भी एडिशनल क्वेश्चन है जो कि बन सकते हैं, तो श्रेष्ठ भारत भवन भी वहीं पर बनेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, भारत की पहली इंजनलेस ट्रेन, तो आपको पता है ट्रेन 18, और 2020 में ट्रेन 20 भी आएगी, इसके बाद इसी का अपग्रेडेड वर्जन आएगा ट्रेन 20 करके। इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, प्रत्युष है। 90th ऑस्कर में द शेप ऑफ वाटर, ठीक है, HDI में रैंकिंग कितनी है, 130। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिसपे मूवी भी आ रही है, इसे कौन है, संजय बारू। और अगर पूछता द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो पैराडॉक्सिकल किसने लिखी है, तो ये लिखी है कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत करना, इस पैराडॉक्सिकल लिखी शशि थरूर ने, और एक्सीडेंटल लिखी संजय बारू ने, जिसपे मूवी भी आ रही है। एग्जाम वॉरियर्स सबको पता है, नरेंद्र मोदी ने। और अगर ये क्वेश्चन बनता कि एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किसने किया था, ठीक है, लिखा तो मोदी जी ने है, विमोचन किसने किया था, तो विमोचन किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, तो यूपी के
जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका विमोचन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं कि मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है। तो मिल्कमैन की कौन है, एना बंस, जिनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिला था। आगे चलते हैं द मेन लाइफ ऑफ लाइफ स्किल, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य। तो ये है कि जो जो मांग है, जो चुनौतियां हैं, उनके अनुसार खुद को डाल लेना, तो ऑप्शन टू। ठीक है, आगे चलते हैं कि द इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसको दिया था मैग डूगल ने। सहानुभूति में कौशल व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की परेशानियों को समझता है। पुरस्कार कैसी है, धनात्मक है और प्रत्यक्ष, क्योंकि आपको पॉजिटिव देगी और सामने से खुद ही दिया जाता है। आरटीई एक्ट देखो पास हुआ था 2009 में, लेकिन प्रभावी कब हुआ था, 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, तो यह दिया गया था अर्बन के द्वारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल मोटिव, तो सोशल मोटिव क्या हो सकता है आपका, सेल्फ प्राइड। आगे चलते हैं कि अलग ढंग से कार्य करने के जो नए तरीके हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, क्रिएटिविटी, जो आप नए नए क्रिएटिव चीज़ें किया करते हैं। तो हु फर्स्ट यूज्ड द वोकेशनल गाइडेंस, तो इसको किया था पार्सन्स ने। एनसीईआरटी ने शैक्षणिक संदर्भ में किसको किसको स्वीकारा है, तो क्लीनलीनेस को, ट्रूथफुलनेस को, लेबर को, इक्वलिटी को, तो इनमें से सभी को। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, पोत्री, मतलब यहाँ पे एम का स्क्वायर है, यहाँ पे के का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जे का स्क्वायर, यहाँ पे एच का स्क्वायर, तो 100/64। यहाँ पे आप देखोगे कह रहा है कि 64 मीटर पूर्व की ओर गया है, सॉरी 40 मीटर पूर्व की ओर गया, ये हो गया 40, 20 आपका इधर जाता है, फिर 20 यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये 40 था, 20 कट गया, 20 ये बचा, और 20 ही ये है, और ये भी 20 हो गया, तो 20 20 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20√2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 20√2। आगे चलते हैं कि एंड के लिए कौन सा है, तो एंड के लिए आपका 8 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। VLE का है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ICTC का उद्देश्य दोनों। स्पैम होता है जो अनवांटेड ईमेल्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रोम। ठीक है, तो इसमें हमने सारे के सारे 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और जो कुछ क्वेश्चंस संस्कृत के रह गए हैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी कि मुझे संस्कृत ज़्यादा नहीं आती, ना ही मेरा बैकग्राउंड है बीएड या फिर बीटीसी का। ठीक है, फिलहाल मैंने पूरी तरीके से ट्राई करी कि मैं आपको सही से सही आंसर्स दूँ और जल्दी से जल्दी दूँ। ठीक है, अगर बाकी किसी में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी से अपना स्कोर भी नीचे कमेंट करें, जिससे हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो जल्दी से जल्दी और एक्यूरेट वे में बना सकें। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।